आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस और बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में दी दलीलें, विधायक फैसला लेने के लिए स्वतंत्र। दिग्विजय सिंह का सियासी ड्रामा, बागी विधायकों से मिलने पहुंचे बेंगलुरु, विधायकों ने किया मिलने से मना। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का तंज, माचिस को आग बुझाने भेजा। कांग्रेस विधायक राजपाल से मिले, वहीं कमलनाथ ने लिया 3 नए जिले बनाने का फैसला। और देश में कोरोना ने पसारे पांव, 16 राज्यों में मिला कोरोना वायरस का संक्रमण। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में विधानसभा में भाजपा की ओर से फ्लोर टेस्ट की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल ये मामला कल तक के लिए टाल दिया गया है। अदालत में कांग्रेस, भाजपा और राज्यपाल की ओर से दलीलें पेश की गईं। कांग्रेस ने कहा कि 16 बागी विधायकों के इस्तीफे सौंपने के पीछे भाजपा की साजिश है। कोर्ट ने कहा कि 16 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल हो या नहीं, उन्हें फैसले लेने की आजादी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से सवाल किया कि आखिर आपने विधायकों के इस्तीफे पर अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया। विधायकों की मांग है कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। कमलनाथ सरकार के बहुमत परीक्षण नहीं कराने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 9 भाजपा विधायकों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। वहीं दूसरी ओर याचिका कांग्रेस विधायकों की है। इसमें बेंगलुरु में ठहरे 22 बागी विधायकों को वापस लाने का निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच में कांग्रेस के वकील दुष्यंत दवे, भाजपा के वकील मुकुल रोहतगी, राज्यपाल के वकील तुषार मेहता, स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और बागी विधायकों के वकील मनिंदर सिंह ने पैरवी की। अदालत में इस बारे में अब कल चर्चा होगी। कांग्रेस के वकील दवे ने कहा, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। भाजपा बलपूर्वक सरकार को स्थिर कर लोकतांत्रिक मुद्दों को खत्म करना चाहती है। उसने 16 विधायकों को अवैध हिरासत में रखा है। इस पर बागी विधायकों के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, ये झूठ है, कोई हिरासत में नहीं रखा गया है और हमारे जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो चाहते हैं कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। फ्लोर टेस्ट पर कांग्रेस के वकील ने कहा कि स्पीकर को फ्लोर टेस्ट का आदेश देना राज्यपाल का काम नहीं है। राज्यपाल को बहुमत परीक्षण का आदेश नहीं देना चाहिए था। जो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं चुनाव में जनता के बीच जाएं, इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, वो वही कर रहे हैं, उन्होंने सदस्यता छोड़ दी और फिर चुनाव चाहते हैं। मुकुल रोहतगी ने कांग्रेस की मांग का विरोध करते हुए कहा, हम अभी कोर्ट से कोई अंतरिम आदेश चाहते हैं। जिसके पास बहुमत नहीं है वह एक दिन सत्ता में नहीं रह सकता। रोहतगी ने कहा, हम 16 बागी विधायकों को जज के चैम्बर में पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं अदालत ने मध्य प्रदेश के स्पीकर से कहा कि जब विधायक इस्तीफा दे चुके हैं तो इस्तीफा स्वीकार करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासी नौटंकी बेंगलुरु में देखने को मिली, जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने पहुंचे और विधायकों ने उनसे मिलने से मना कर दिया। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने MP के मंत्रियों और कुछ विधायकों के बागी विधायकों से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, तो वे धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी के बागी विधायकों से मिलने बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन बागी विधायकों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके साथ गए नेता धरने पर बैठ गए। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पुलिस के साथ उनकी बहस भी हुई। गौरतलब है कि कांग्रेस के 16 बागी विधायक इस समय बेंगलुरु में है। इस वजह से कमलनाथ सरकार पर संकट आ गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कमलनाथ बहुमत साबित करें, जबकि कमलनाथ का कहना है कि जब तक 16 विधायकों को भोपाल नहीं लाया जाता है तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बेंगलुरु में तो भाजपा की सरकार है, यहाँ की पुलिस भाजपा सरकार के अधीन है, मैं यहाँ गांधीवादी तरीके से अपने विधायकों से मिलने आया हूँ, मुझे तो भाजपा के राज में भी उनकी पुलिस के बीच भी डर नहीं लग रहा है। लेकिन भाजपा नेता कह रहे हैं कि विधायकों को डर है, तो डर किससे है, खुद भाजपा से ना। वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, उनके फोन छीन लिए गए हैं, ठीक है, पुलिस वाले उनसे
बात भी नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, कहते हैं इनको सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है, मैंने कहा मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मेरे ऊपर पास न बम है, न हथियार है, न पिस्तौल है, न राइफल है। ठीक है, मुझे अकेले ले जाएं, उनसे मिलवा दें, मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या आपत्ति है? जब मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा बेंगलुरु में चल रहा था, तभी कांग्रेस के बागी विधायकों के वीडियो मैसेज आए कि वे बंधक नहीं हैं और वे दिग्विजय सिंह से मिलना भी नहीं चाहते हैं। इन विधायकों और हटाए गए मंत्रियों ने साफ कहा कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की जो दशा है, इसके लिए खुद दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं। इन विधायकों ने उल्टा दिग्विजय सिंह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुझे अभी अभी पता चला है कि बेंगलोर में दिग्विजय सिंह अपने साथियों को लेके आए हैं हमको, हमसे मिलने को। लेकिन हम मध्य प्रदेश में सिर्फ दिग्विजय सिंह की वजह से भगे हैं, उनके वजह से हम आए हैं कि उनने हमारी पूरी कांग्रेस बर्बाद कर दी। लेकिन अब हम ऐसी कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह हैं। और मैं बेंगलोर की पुलिस से निवेदन करती हूं कि हमारी सुरक्षा करें और हम दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते, बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। मैं अपनी मर्जी और स्वेच्छा से यहाँ हूँ। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि दिग्विजय सिंह जी कुछ अपने साथियों के साथ यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, उनकी वजह से ही हमारी पार्टी की ये हालत हुई है। अपनी मर्जी से हम लोग बेंगलोर आए हैं। हम लोगों ने 11 तारीख को विधानसभा सदस्यता त्याग पत्र दे दिया है। मुझे मालूम पड़ा है कि माननीय दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हमसे मुलाकात करने आए हैं। हमें उनसे कोई मुलाकात नहीं करनी है। आज कांग्रेस का जो भंडाधार किया उसका मेन कारण दिग्विजय सिंह जी हैं। हमें कोई मुलाकात नहीं करनी है। मैं बेंगलोर पुलिस से अनुरोध करता हूँ कि हमें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और हम किसी प्रकार की मुलाकात माननीय दिग्विजय सिंह करना नहीं चाहते। मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ यहाँ और मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ और मैं दिग्विजय सिंह से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती हूँ कि उन्हीं के कारणों से तो आज कांग्रेस में ऐसा हुआ है जो वो अपनी मनमानी कर रहे थे। मुझे चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी बेंगलोर में आए हुए हैं, वो हमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से बेंगलोर आए हैं और हम दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाहते। इनकी वजह से ये सरकार गई है और भविष्य में मैं बेंगलोर की पुलिस से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमको पूरी सुरक्षा प्रदान करें। इस बीच बेंगलुरु में धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह का फोटो ट्वीट पर शेयर करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। विजयवर्गीय ने लिखा है, बेंगलुरु में नौटंकी हमारा सौभाग्य है कि ये माननीय राजनीति में है। यदि बॉलीवुड में होते तो अमिताभ बच्चन जी को भी माफ कर देते। बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह द्वारा धरना देने पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मिस्टर बंटाधार पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी आग बुझाने के लिए माचिस को भेज दिया है। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया और कहा, अब आगे क्या होगा ये तो खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। मिस्टर बंटाधार एक और पॉलिटिकल ड्रामा करने गए हैं, यह पहला नहीं है, इससे पहले भी वे ऐसा कर चुके हैं। गुरुग्राम भी गए थे जब भी कांग्रेस के विधायकों ने कहा था किसी ने बंधक नहीं बनाया, बेंगलुरु के विधायक नहीं मिलना चाहते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं है। मिस्टर बंटाधार कांग्रेस को खत्म करके ही मानेंगे, उनकी सरकार बहुमत खो चुकी है। मिश्रा ने कहा, सरकार झूठ की बुनियाद पर है और कैबिनेट की बैठक ढोंग है। अब आगे क्या होगा ये तो खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। मिस्टर बंटाधार एक पॉलिटिकल पाखंड और करने के लिए गए, ऐसा नहीं पहला है, इसी 15 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर ये दूसरा है। वो गुड़गांव भी गए थे और गुड़गांव में उनने विधायकों से कहा कि आइए, गेट के बाहर धरना दिया, वो आए। माननीय बिसाऊलाल जी आए, माननीय अदल सिंह जी आए, माननीय संजीव सिंह जी आए, माननीय शुक्ला जी आए और आके उनने यहाँ बयान दिया कि हमें किसी ने नहीं बंधक बनाया, ना हमें किसी ने रोका, ना हॉर्स ट्रेडिंग हुई। मिस्टर बंटाधार खत्म करके ही कांग्रेस को मानेंगे। पहले हटे थे तो 15 साल हम रहे और अब ये गए तो 20 साल, तो इनको विचार ही नहीं करना चाहिए, पीढ़ी बदल जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महर, चाचौड़ा और नागदा को नया जिला बनाए जाने की मंजूरी दी है।
मध्य प्रदेश में अब 55 जिले हो गए हैं कमलनाथ कैबिनेट की। 3 दिन में यह दूसरी बार कैबिनेट बैठक थी। इससे पहले रविवार को कैबिनेट की बैठक में संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और कर्मचारियों के डीए बढ़ाए जाने को लेकर फैसला लिया गया था। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दी। बुधवार को हुई कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में सरकार के कुछ मंत्री शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मैहर, चाचौड़ा और नागदा को नया जिला बनाए जाने की मंजूरी दी। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी लंबे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि मैहर को जिला बनाया जाए। सियासी घटनाक्रम के बीच वे 4 से 5 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। इससे पहले भी वे सीए को लेकर अपनी पार्टी के खिलाफ नजर आए थे। वे खुले मंच से कह चुके हैं कि जो उनके क्षेत्र के विकास की बात करेगा वे उसके साथ रहेंगे। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी चाचौड़ा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग कर रहे थे। वे भी कई बार अपनी ही सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेर चुके हैं। नागदा के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर भी जिला बनाने की मांग कर रहे थे। दिलीप सरकार से नाराज हैं। 3 नए जिले बनाए गए, नागदा जिला, मैहर जिला और चाचौड़ा जिला, जिसकी लगातार मांग हो रही है। स्वयं स्टाम्प तय किए जाने की स्थिति में देय स्टाम्प शुल्क की राशि के 1% के मान से छूट प्रदान की जाएगी। कोई ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन जब लेते थे, ऑनलाइन जब स्टाम्प लिया जाता था उसको कोई छूट नहीं मिलती थी, आगे केवल स्टाम्प वेंडर को 1.5% की छूट दी जाती थी। तो 1.5% की छूट स्टाम्प वेंडर को तो रहेगी और ये लिमिट रहेगी 5,000 तक की मैक्सिमम। लेकिन अब ऑनलाइन एक आम आदमी आप और हम स्टाम्प लेते हैं तो हमको भी 1% की छूट मिलेगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि रजिस्ट्री में ऑनलाइन स्टाम्प खरीदने वालों को स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट दी जाएगी। इसमें स्टाम्प वेंडर को मिलने वाली 1.5% की छूट भी जारी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में जबलपुर के कोर्ट में कैमरे लगाए जाएंगे। अपनों के चक्रव्यूह में फंसी कमलनाथ सरकार अपने बचाव के लिए रास्ते तलाश रही है, लेकिन वो अपने ही बयानों में उलझ गई है। विपक्षी नेता कांग्रेस के विरोधाभासी बयानों पर हमलावर हो गए हैं। सरकार ने कोरोना का बहाना लेकर विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया, लेकिन सीएम कमलनाथ का कहना है कि बंधक बनाए गए विधायकों के लौटने पर फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि कोरोना सिर्फ फिलहाल बहुमत साबित न करना पड़े इसकी एक चाल है। मध्य प्रदेश में अल्पमत में दिख रही कमलनाथ सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष ने 26 मार्च तक के लिए सदन स्थगित कर दिया है। इस बीच राज्यपाल के दोबारा फ्लोर टेस्ट कराए जाने के आदेश के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि बंधक बनाए गए 16 विधायक वापस आ जाएं तो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं। इससे साफ जाहिर होता है कोरोना तो एक बहाना है, ये कमलनाथ की सरकार बचाने की एक तिकड़म है। कमलनाथ के इस बयान पर भाजपा नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाते ही कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी सवाल उठाते हैं कि क्या विधायकों के आने के बाद कोरोना का संकट समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस सरकार ने सिंधिया समर्थक इन विधायकों को बंधक बनाए जाने का आरोप भी लगाया है, लेकिन बेंगलुरु में इन विधायकों ने पत्रकारों के सामने दो टूक कह दिया है कि उन्हें भोपाल जाने में खतरा है। वे बंधक नहीं बनाए गए हैं, अगर सिंधिया के काफिले पर हमला हो सकता है तो वे लोग भी असुरक्षित हैं। इन विधायकों का कहना है कि सत्ता के मोह में कमलनाथ सरकार लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है और मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच बुधवार को कांग्रेस के करीब 70 विधायक राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंचे। कांग्रेस ने बेंगलुरु में मौजूद बागी विधायकों को भोपाल लाने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने कुछ कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। एमपी के सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेसी राजभवन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कुछ कांग्रेस नेता होटल में रखे गए अपने विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे। तकरीबन इन 70 विधायकों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के ज्ञापन में कहा गया, बेंगलुरु में भाजपा ने कांग्रेस के 16 विधायकों को बंधक बना रखा है, इन्हें मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आपसे निवेदन कर चुके हैं। बुधवार को बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह समेत कुछ विधायक पहुंचे, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें विधायकों से मिलने नहीं दिया।
सभी कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस के सभी विधायक आपसे मांग करते हैं कि बेंगलुरु में बंधक सभी 16 साथियों को मुक्त कराया जाए। अगर उसे संपर्क करने का प्रत्याशी को अधिकार है और मिलते भी हैं, लोग अपने वोट के लिए मतदान के लिए बात करते हैं, मिलते हैं और उसी के लिए वो गए। स्वराज नीचे कर ले भाई, आ गया जब वो मिलने के लिए। अबे स्वराज नीचे कर, उनको धरने पे बैठे और महात्मा गांधी आदर्शों पे चलते हुए धरने पे बैठ गए। हमारे सादगी से बात कर रहे थे पर वहाँ की पुलिस ने उठा के उनको थाने में बिठा दिया। हम समझते हैं कि हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे जो अधिकार है उसका हनन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बेंगलुरु में ठहरे विधायकों के भोपाल आने पर पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, इसके बावजूद वे जहाँ से चाहे सुरक्षा ले सकते हैं, सरकार को आपत्ति नहीं है। इस बीच प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों राजभवन के पास पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेसियों को हिरासत में लिया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय के सामने कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। कर्नाटक में गिरफ्तार हुए कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ विरोध जताने आए थे ये कांग्रेसी कार्यकर्ता। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने कांग्रेस और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। शायद आप लोग मौजूद होंगे, आप बेहतर बता पाएंगे। अगर कोई अंदर गया होगा, ऐसी कोई बात होगी, आपने भी रिकॉर्डिंग की होगी, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो Really? डैडी बने हो? देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है, हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए तख्तरित कदमों की वजह से अब तक
स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है, लेकिन इस घातक वायरस के खतरे में फिलहाल कोई कमी नहीं आई है। हर दिन के साथ देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक देश के 16 राज्यों में कोरोना संक्रमित 153 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा मरीज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मिले हैं, इसके बाद केरल और अन्य राज्यों का नंबर आता है। अनदेखी से पैर पसार रहे कोरोना का पश्चिम बंगाल में भी एक मरीज मिला है। कोरोना वायरस देश के 16 राज्यों तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं, यहां अब तक 39 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के अलावा 5 राज्यों में अब तक एक एक मरीज कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद राज्य सरकारें एहतियातन कदम उठा रही हैं। कोरोना वायरस तेजी से ना फैले और इसकी रोकथाम हो सके, इसके लिए देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इसके साथ ही सिनेमा घरों मॉल्स को भी बंद कर दिया गया है। लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा ना होने की अपील की जा रही है। देश में इसे राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर दिया गया है। चीन के वुहान शहर से इस खतरनाक वायरस की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते यह वायरस अब तक 162 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, लद्दाख, तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस ना फैले और लोग सुरक्षित रहें, इसके चलते खजुराहो में पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस से फैलने वाली महामारी को रोकने के लिए देश भर में 31 मार्च तक के लिए ऐसे स्थलों को बंद कर दिया गया है जहां लोगों का समूह इकट्ठा होता है। कोरोना जैसी महामारी खत्म करने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए सभी पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो के स्मारक भी बंद कर दिए गए हैं। खजुराहो में आए दिन देशी विदेशी पर्यटक जब पश्चिमी मंदिर देखने पहुंचे तो मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। बताया गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के सभी स्मारकों को कोरोना वायरस के फैलने वाली महामारी को रोकने हेतु देश भर में 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। खजुराहो घूमने आए 30 से 35 सदस्यीय गेट वाल ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के सदस्यों ने निराशा जाहिर करते हुए खजुराहो के स्मारकों को देख ना पाने पर अफसोस जताया, लेकिन कोरोना वायरस से फैलने वाली महामारी को रोकने वाले इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि जान है तो जहान है, हम खजुराहो के स्मारक फिर कभी आकर घूम लेंगे। हालांकि विदेशी पर्यटकों के साथ देशी सैलानियों ने मंगतेश्वर महादेव मंदिर तथा वहीं से पश्चिमी मंदिर समूह के लक्ष्मण मंदिर सहित अन्य मंदिर देखे। इस दौरान पर्यटक परिसर के बाहर से स्मारकों के फोटो और वीडियो बनाते नजर आए। Oh no, from our point of view, we saved up and this was a 5-week holiday, so it was a lot of money for us. So the chances of us coming back, unfortunately, is pretty remote because, you know, there's so many other countries in the world and to specifically come back to see the temples again makes it very, very hard and perhaps impossible. So it's very disappointing that we've had to miss out on so many beautiful things over here in India. Because it's been very enjoyable. We've had a good time. ने आने के इधर दूर आने के बाद 20 दिन ट्रैवल करने के बाद they spend lot of money, उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया इस टूर के लिए, और आप यहाँ पहुँचते हैं पता लगा शाम को पहुँचे पता लगा सुबह मंदिर बंद हो गए। तो खजुराहो तो एक बहुत छोटी सी जगह है, 10-15 हज़ार की पॉपुलेशन होगी। हमारे सारे ग्रुप के टेस्ट हुए हैं, हर जगह टेस्ट हुए हैं, लेकिन इस जगह को नहीं, गवर्नमेंट को नहीं बंद करना चाहिए खजुराहो। एक्चुअली हम बहुत उम्मीदों से आए थे, हमें लगा था कि खजुराहो में घूमेंगे सारे, और वेस्टर्न टेंपल जो ये पार्ट है मंदिर का, यही हम लोगों ने नहीं देख पाए हैं अभी, और हमारी बहुत इच्छा थी देखने की, लेकिन अब ये इसके कारण नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, समाज के लिए और देश के लिए ये सही भी है, क्योंकि ये कोरोना वायरस काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है, हमने इंडिया में भी अब इसके पेशेंट आ गए हैं, तो ठीक है, इस हिसाब से हम एक्सेप्ट करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।
उज्जैन में कोरोना वायरस से फैलने वाली महामारी से सुरक्षा के चलते महाकाल मंदिर की भस्म आरती में पूरा मंदिर खाली दिखाई दिया। जिस परिसर में खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी, वहीं पूरे मंदिर परिसर में एक भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया गया। महाकाल मंदिर समिति और मंदिर के पंडे पुजारियों ने कोरोना वायरस न फैले इसके चलते निर्णय लिया था कि भस्म आरती में आगामी आदेश तक श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन के महाकाल। महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से रोजाना महाकाल मंदिर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में लाइन लगाकर लगभग 1700 से अधिक श्रद्धालु एक बार में मंदिर परिसर में बैठकर भस्म आरती में भगवान महाकाल का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कल महाकाल मंदिर समिति और पंडे पुजारियों ने निर्णय लिया था कि भीड़ को इकट्ठा ना होने दें और इसी के चलते भस्म आरती में VIP और सामान्य श्रद्धालु के लिए प्रवेश निषेध कर दिया गया था। रोज महाकाल मंदिर में भस्म आरती में प्रवेश के लिए देर रात 3 बजे से ही श्रद्धालु मंदिर के 3 नंबर गेट पर पहुंचते हैं, जहां से लाइन से नीचे गर्भगृह तक पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के चलते पूरा मंदिर वीरान दिखाई दिया। किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में अनुमति नहीं मिली और अब तक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि भस्म आरती बिना श्रद्धालुओं के हुई। वहीं कुछ श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर ही आरती के समय दिखाई दिए और उन्होंने बाहर LED स्क्रीन पर ही महाकाल बाबा के दर्शन किए और आरती देखी। श्रद्धालुओं ने इस निर्णय को अच्छा बताया और कहा कि श्रद्धालुओं के हित में ही यह निर्णय लिया गया है और भगवान महाकाल सबकी रक्षा करेंगे। अच्छा डिसीजन लिया है जो इन्होंने बंद किया है, क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है, तभी तो हमें आ पाएंगे और बाबा की कृपा से सब सही होगा। कोरोना का कहर पूरे विश्व में फैला हुआ है। कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि वायरस ना फैले, लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो और इस वायरस का खतरा खत्म किया जा सके। इसलिए प्रशासन ने स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं, मगर प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी के चलते इस आदेश को ना मानकर स्कूल लगा रहे हैं। जहां आज संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है, वहीं भारत के भी कुछ राज्यों में कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस को रोका जाए और लोगों में ना फैले, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने तमाम स्कूल कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान ऐसी कई जगह जहां कई सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं उन जगहों को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। लेकिन टीकमगढ़ शहर में इसके विपरीत कई निजी स्कूल शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और स्कूल बसों में बच्चों को भरकर परीक्षाएं संपन्न करवाने में लगे हैं। शहर के लगभग स्कूल कोरोना के चलते बंद कर दिए गए हैं, परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। वहीं महर्षि विद्या मंदिर और संस्कार गुरु हरिकिशन सिंह सुरजीत सेकेंडरी स्कूल प्रशासन के आदेशों को ताक पर रखकर स्कूल लगा रहा है। स्कूल में परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, बच्चे फेल ना हो जाएं, इस डर से माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत CEO हर्षित पंचोली से बात की गई तो उन्होंने 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज निजी संस्थानों को खुलने पर प्रतिबंध की बात कही। वहीं जो स्कूल अभी भी परीक्षा संपन्न करा रहे हैं उन पर कार्रवाई की बात भी कही। स्कूल अपने निजी फायदे के लिए अभी भी मासूम बच्चों को स्कूल में परीक्षाओं के लिए बुलाते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को जल्द ही इन पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। शासन स्तर से कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए समस्त प्रकार के निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है 31 मार्च तक। इस संबंध में सिर्फ कक्षा 5वीं और 8वीं की एग्जाम्स जो कि शासकीय विद्यालयों में आयोजित की जा रही है एवं क्लास 10th एवं 12th की बोर्ड एग्जाम्स पर प्रतिबंध नहीं है, बाकी सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये चीज़ डाली गई है कि कुछ विद्यालय है जहाँ पर परीक्षा आज भी आयोजित की गई, इन सभी को हमारी तरफ से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, इनको SCNs जारी किए जाएंगे और इनके एक एडवाइजरी हम सभी प्राइवेट स्कूल्स के लिए निकाल रहे हैं कि आप कहीं पर भी अगर इस स्थिति पाई जाती है तो आपका एफिलिएशन समाप्त करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। तो इसमें आज मैं SCN जारी करके इनकी एक बैठक बुलवा कर इनके खिलाफ कार्रवाई भी करने के लिए भी हम लोग आगे फाइल्स बढ़ाएंगे। बोर्ड एग्जाम और बोर्ड बटन जो
संचालित होंगी और जो आंतरिक परीक्षाएं जो लोकल एग्जाम है वो 31 मार्च के बाद। फर्म एवं सोसाइटी विभाग के अपीलीय अधिकारी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा है। ये अधिकारी संस्था के रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। संस्था के अधिकारियों ने लोकायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की। युवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फर्म एवं सोसाइटी विभाग में लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की। वहां मौजूद अधिकारी DR बसंत को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा घूसखोरी इस कदर बढ़ती जा रही है कि अब उन्हें किसी भी बात का डर नहीं रहता और लगातार लोगों से पैसे वसूल कर अपनी जेबें भरते रहते हैं। ये मामला भी घूसखोरी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां फर्म एवं सोसाइटी विभाग के अपीलीय अधिकारी DR बसंत के द्वारा एक व्यक्ति से उसके काम के एवज में 5,000 की रिश्वत लगातार मांगी जा रही थी। 3,000 में सौदा भी फिक्स हो गया और आज शिकायतकर्ता ने इस रकम को अधिकारी DR बसंत के हाथों में दिया। तभी लोकायुक्त की टीम ने दबिश देते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता रजनीश कुशवाहा सिरमौर भरोसा सेवा समिति के अध्यक्ष ने उनकी संस्था के गठन के लिए आवेदन किया था। अधिकारी ने उनसे पैसे की मांग कर दी, जिसको लेकर उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता रजनीश कुशवाहा द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके काम के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसका सत्यापन मेरे द्वारा किया गया और जैसे शिकायत में सही पाया गया उसके आधार पे फिर हमने पूरी टीम के साथ में अभी हमने यहाँ पे अभी ट्रैप कार्रवाई की है। दरअसल 2010 में मेरी संस्था गठित हुई थी, जिसमें कुछ उद्देश्य कम थे हमारी संस्था के और कार्य क्षेत्र जनपद सिरमौर था, तो उसको मैं ऑल इंडिया करवाना चाह रहा था और जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को कुछ बढ़वाना चाह रहे थे, तो उसके लिए मैं करीब 5 महीने पहले आवेदन दिया था। और जो बसंत जी हैं अब DR बसंत जी, तो इन्होंने कई बार नोटिस काटते थे, हम इनको बोलते थे कि भैया मुझे बता दो एक बार आप कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, कमियां हो सकती हैं उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन इनकी मंशा ये थी कि ऐसे ही कागज़ दौड़ाओगे कुछ और आगे भी बात करोगे। इन्होंने 5,000 रुपये की मांग की थी और फिर लेन देन में इन्होंने 3,000 रुपये बोला कि 3,000 लाओ अभी फटाफट लाओ। तो फिर मैंने इनको 3,000 रुपये हमने शिकायत किया माननीय SP साहब से कि हम 5 महीने से परेशान हैं और ये इस तरह से सर बात कर रहे हैं। तो साहब ने मुझे दिया रिकॉर्डर, बोले कि आप जाओ बात करो उनसे, रिकॉर्डर में बात करिए। हमने बात की, अब उन्होंने मांगा कि हाँ 3,000 लाओ फटाफट लाओ अभी हम काम आपका करेंगे। इंसानियत जीवित है इसलिए दुनिया चल रही है। जब एक बैल कुएं में गिर गया तो एक युवक ने बैल को कुएं से निकालने के लिए खुद की जान की बाजी लगा दी। परासिया के मायावाड़ी गांव में एक कुएं में बैल जा गिरा। लोग तमाशा देखते रहे मगर बचाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा था। वहां खड़े एक युवक की इंसानियत जागी और उसने बैल की छटपटाहट देखी नहीं गई और वो बैल को बचाने के लिए कुएं में बिना अपनी जान की परवाह किए उतर गया। वहां खड़े लोगों की मदद से उसने बैल को रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।